नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा द फैक्ट आई में आपका स्वागत है। हम बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिंबु देवाल इंसा है। कहाँ से हो सर आप? राजस्थान, फ्रॉम जयपुर से। राजस्थान, आप एक समाज में जो एक टॉपिक चल रहा है, काफी चर्चा में रहा है, बाबा राम रहीम जी व डेरा सच्चा सौदा, आपके क्या विचार हैं कि अब समाज में हम देख रहे हैं कि काफी समय से वो नहीं है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से पहले जब बाबा राम रहीम जी समाज में थे तब काफी अच्छाइयाँ चारों तरफ फैल रही थी। लोग नशा छोड़ रहे थे, लोग वेश्यावृत्ति छोड़ रहे थे, बलात्कार छोड़ रहे थे, शराब छोड़ रहे थे और समाज सुधार की तरफ अग्रसर हो रहा था। लेकिन आज गुरुजी समाज के बीच नहीं है तो उनके नहीं होने से समाज पे क्या असर हो रहा है ये हर किसी को दिख नहीं रहा। आज मैं अगर जयपुर से आया हूँ और यहाँ सरसा 400 किलोमीटर चल के आया हूँ, पहले मैं आया करता था तब मानते हैं कि शराब के 100 ठेके थे, आज पूरे रास्ते में 400 शराब के ठेके हो गए। अखबारों में, मीडिया पे दिन ब दिन बलात्कार की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिल रही है, शराबी ज़्यादा बढ़ गए, मांसाहारी ज़्यादा बढ़ गए, सफाई अभियान के नाम पर जीरो हो गया, पर्यावरण किस तरह से हो गया। हर जन्मदिन पर साध संगत लाखों पेड़ लगाया करती थी, आज वो नहीं लगने से, वृक्षारोपण नहीं होने से पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है और समाज विकास की तरफ अग्रसर होने की बजाय वो डिमोलाइज हो रहा है। आज समाज में इतनी बुराइयां उनके ना होने से ज़्यादा हो रही है कि उनका समाज में होना बहुत ज़रूरी है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी समाज के बीच में लाया जाए ताकि जो समाज की स्थिति गुरुजी के यहाँ रहते हुए थी उससे भी कहीं बेहतर हो। आज साध संगत यहाँ कम आ रही है, क्यों कम आ रही है? क्योंकि नाम देने वाली नहीं है, समाज में लोगों के पथ प्रदर्शक वो यहाँ नहीं है तो लोग कम आ रहे हैं। अगर वो यहाँ होंगे, समाज में होंगे तो समाज सुधरने को तैयार है, सुधारने वाला होना चाहिए। हमारे बीच आज समाज सुधारक वो ग्रेट, मैं मानता हूँ कि स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उनके बाद वर्षों बाद अगर कोई समाज सुधारक सच्चा अगर इस देश में आए हैं तो संत राम रहीम आए हैं। जो कहते हैं करते वही हैं, उनके समाज सुधार के कार्यों को विश्व में इतनी सराहना मिली है, भारत में भी मिली है, लेकिन कुछ वजह से, किसी गलत फहमी से आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि वो जितने जल्दी समाज में हमारे बीच होंगे उतनी जल्दी समाज फिर सुधरेगा, भारत देश में अच्छाई फिर फैलेगी और ये बहुत आवश्यक है कि वो हमारे बीच हो, समाज के बीच हो। सरकार को चाहिए कि उन्होंने जो पिछले वर्षों में जो अच्छे कार्य किए हैं देश के लिए, समाज के लिए, वेश्याओं के लिए, किन्नर समाज के लिए, सबके लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए जो हर कोई नहीं कर सकता, उन सारे कार्यों को देखते हुए मैं सरकार से फिर कहूंगा कि वो उनको समाज के बीच में लेकर आए ताकि विकास की धारा जो है फिर और ज्यादा आगे बढ़ सके। और मेरा यही कहना है, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।